हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके लिए ट्रूली जेन्युइनली क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त। यहाँ पे ऑल साइन है, आपको इतना याद रखना है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ साइन मिलेगा कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, अभी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको ये साइन बार 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 मिल रहा है, शायद आप उस साइन को समझ नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में वो चीज़ें, वो बातें आ नहीं रही है, बट ऑनेस्टली ये चीज़ है कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। वो आपको क्लियरली शायद ना बताएं, बट ये उनकी हिडन फीलिंग्स है और वो अपनी, क्योंकि ये हिडन फीलिंग्स ही है तो वो आपको कैसे बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी विश है इस इंसान के साथ जुड़ के, इस इंसान के साथ, वो सारी विश आपकी बहुत जल्दी फुलफ़ील होने वाली है, बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि मुझे अभी 11 दिखा, 11 11 मुझे दिखा, सो फुलफ़ील होगी। और जब मैं बोल रही थी कि हिडन विश है, तो मतलब हिडनली ये आपको याद तो करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है रोते तो कभी नहीं है, लेकिन आपके बारे में सोच के परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये इतना कभी रोते नहीं है, लेकिन इनके अंदर मुझे एक परेशानी दिख रही है, इनके अंदर मुझे एक ऐसे सिचुएशन दिख रहा है जहाँ पे ये थोड़ी सी टेंशन में आ जाते हैं, या फिर थोड़ी सी ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं कि मैं इस इंसान के लिए क्या कर सकता हूँ या फिर क्या कर सकती हूँ जो बेहतर होगा। वो कहीं ना कहीं बार बार ये चीज़ सोचते हैं। मुझे द स्टार की एनर्जी यहाँ पे दिखी, होपफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो इस इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप होपफुल रह सकते हो। ठीक है, वाह, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल हार्ट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे शायद आपको दिखेगा नहीं, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हार्ट। यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, शायद आपको दिखे, सो दिस इज़ अ हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो लवर की एनर्जी दिख रही है, इसको देख के मुझे ट्रूली एक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है, ट्रूली एक लवर की एनर्जी दिख रही है। किस तरीके से ये पर्सन जो है आपको एक सोलमेट मानते हैं, किस तरीके से आप सच में एक दूसरे के सोलमेट हो, आप एक दूसरे को कितनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए स्टिल एक प्रायोरिटी हो। आप ये सोचोगे कि अगर मैं इस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, अगर मैं इस इंसान के लिए प्रायोरिटी हूँ, तो ये मुझे कभी कॉल क्यों नहीं करता, या फिर ये मेरे लिए उस तरीके से टाइम क्यों नहीं निकालता। ऑनेस्ट बात ये है कि ये इंसान आपके लिए टाइम तो निकालते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में इस वक्त अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, समझा नहीं पाते हैं। आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये इंसान मुझे कभी समझाता नहीं है, मुझे कभी एक्सप्लेन नहीं करता, बस मुझे बोल देता है ये चीज़ें, चीज़ें ऐसी है एंड वैसी है। लेकिन वो इंसान गलत नहीं है, उनको एक्सप्लेनेशंस देने नहीं आती है। आप किसी को प्यार नहीं करवा सकते हो, ये जो प्यार है ना वो इनबॉर्न आता है, किसी से ऑलरेडी आता है, वैसे ही आता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनबॉर्न मतलब ये कि मैं बोल सकती हूँ कि किसी के लिए हो जाता है बस प्यार। आप ये नहीं बोल सकते हो मैं इसको प्यार करूँ, पैदा करूँ इसके लिए प्यार, ऐसा नहीं है, अपने आप हो जाता है, जन्म लेता है। सो मुझे ऐसा वही दिख रहा है कि आपको इनको बार बार जताने की ज़रूरत नहीं है कि आई लव यू, डू यू लव मी, ये सवाल आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत कुछ है, ये आपके लिए बहुत कुछ फील करता है ये इंसान। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है ये बोलने की कि भाई मुझसे बात कर लो। वो इंसान आपको प्यार करता है, वो आज नहीं तो कल आपके लिए टाइम निकालेगा, या फिर निकालेंगे जैसे भी आपको सही लगे, और वो आएंगे आपके पास। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँ, सिर्फ एक रिलेशनशिप में लव
होने से रिलेशनशिप नहीं चलती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ये इंसान आपको प्यार तो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, आपको प्यार तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे इस वक्त वो रिस्पेक्ट की थोड़ी कमी दिख रही है, मुझे वो वैल्यू की थोड़ी कमी दिख रही है। सो ये जो जो गैप है, सिर्फ आप एक इंसान से प्यार करते हो लेकिन वो रोज़ आपको गाली देता है, मारता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो ये कैसा रिलेशनशिप है? नॉट, दैट्स नॉट ओके। ठीक है, सो ये इंसान का वही फंडा है कि मुझे तुम्हारे साथ ही गलत अन्याय नहीं करना है, मुझे तुम्हारे साथ सही करना है, तो मुझे टाइम दो, मैं खुद तुम्हें रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करूंगा या फिर करूंगी, और परफेक्ट टाइमिंग पे कहीं ना कहीं हम दोनों फिर से मिलेंगे, फिर से एक हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आपकी प्यार उन आप किसी तरीके से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, कुछ तो ऐसी बातें, कुछ तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्ट मतलब ब्यूटी से नहीं, मतलब उनके सबकॉन्सियस माइंड को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि वो करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, इस तरीके से। और जब आप ये सोच के उनको अट्रैक्ट करते हो ना, वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ये उन तक पहुंचती है। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा या फिर आई थिंक समझ नहीं आएगा, यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना सिर्फ एक इंसान की आकृति बिल्कुल आ गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ओ माय गॉड, इतनी एक्यूरेट चीज़ें देखो, दिख रहा है ना कि एक इंसान यहाँ पे किस तरीके से बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आई कैन शो यू, ये देखो, एक इंसान बना है, ये बने हैं, ठीक है, तो एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब, मैं इसको साइड में रखती हूँ, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो इसको। तो इसका मतलब बहुत क्लियरली यहाँ पे शो होता है कि आपकी जो हर प्रेयर है ना, इस इंसान तक पहुँचती है, और बहुत अच्छे से पहुँचती है। मतलब भगवान आपकी हर प्रेयर को इस इंसान तक बहुत अच्छे से पहुँचाते हैं, ठीक है। एंड आज हार्ट आया है, इंसान आया है, सो ये तो ब्यूटिफुल। आज ना बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव साइड निकल के आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो थोड़ा सा कुछ भी आपको नेगेटिव बात बोलते हैं तो आप रो पड़ते हो। आई थिंक आप ऐसे इंसान हो जो ओवर इमोशनल हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। सो आई थिंक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपकी इमोशंस का थोड़ा फ़ायदा ज़रूर उठा देते हैं, ठीक है, आपको चिढ़ाते हैं या फिर ऐसा कि लाइक ये तो इमोशनल है, मेरे लिए तो रोती रहेगी, तो इसको मैं छोड़ के दूसरा काम भी कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, ये चीज़ भी उनके दिमाग में हज़ारों बार आता है। तो आप अपने इमोशंस को अपने तक जितना रखोगे उतना बेहतर है, जितना दिखाओगे उतना आपके लिए ही लॉस, मैं यहाँ पे मानूंगी। इंसान बुरे नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार किसी को ओवर इमोशन दिखाओगे ना, वो इंसान समझ नहीं पाएगा, ठीक है। अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए, और चलिए देखते हैं और क्या फीलिंग्स है इस वक्त। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ बहुत इमेच्योर हो जाते हैं। वो लाइफ में शायद मेच्योर है, लाइफ में शायद बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, बट आई थिंक स्पेसिफिक जब आपके साथ बात होती है तो ये मुझे बड़ा ही इमेच्योर, बड़ा ही ऐसा इंसान दिखते हैं जो कि सही डिसीशंस नहीं ले पाते हैं। वो आपको सही तरीके से ट्रीट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान चीज़ों को बहुत मैस कर देते हैं। आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, फन, लविंग, अफेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये ना हर एक चीज़ में नुक्स निकालते हैं। रियली इमेच्योर एनर्जी इनकी कभी कभी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन पास्ट या फिर हाल ही में कोई एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस उन्होंने ब्रेक किया है, ठीक है, शायद कोई प्रॉमिस उन्होंने आपसे किया था तो इन्होंने उस प्रॉमिस को तोड़ दिया है, उस प्रॉमिस को ब्रेक किया है, और आपको बहुत इजीली बोल दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनको उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो तो खैर आपको बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके नज़र में आप एक हस्बैंड या फिर वाइफ मटेरियल हो, आप उसी तरीके से ही इनके साथ रह सकते हो। मतलब
चाहे तमाशा कितने लोगों के साथ करे, लेकिन जब शादी की बात आती है, यू आर द परफेक्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि आप बहुत अफेक्शन दिखाते हो। एक इंसान के साथ प्यार, अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग से ही आप जिंदगी भर चल सकते हो, सिर्फ उसका सुंदर चेहरा देख के नहीं चल सकते हो, राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्शन फील करते हैं आपके साथ। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आई थिंक आप इंडिपेंडेंट डिसीशंस लेते हो, आप जो आपके ओपिनियन है बोलते हो, उनको भी अपना बोलने देते हो, ये बात उनको बहुत पसंद है। तो किसी और के साथ उनका ये वाइब मैच नहीं कर रहा है, जिस तरीके से आपके साथ उनका वो वाइब मैच करता है ना, कि आप उनको हर एक चीज़ करने देते हो, उनका हर एक दिन में साथ रहते हो, किसी और के साथ उनको वो चीज़ फील नहीं होता है। एंड कहीं ना कहीं दिस पर्सन रियली नोज हाउ कमिटेड यू आर। आप कमिटमेंट को कितना ज़्यादा महत्व देते हो, आप कितना ज़्यादा एक कमिटमेंट को, एक प्यार के रिलेशनशिप को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको मोस्टली रिस्पेक्ट उसी चीज़ की वजह से करते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, आप उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कमिटमेंट देते हो, उनके लिए स्टैंड लेते हो, ठीक है? आप उनके लिए एफर्ट डालते हो। सिर्फ मैंने जैसे बोलती हूँ हमेशा, लव इज़ नॉट अनफ, लव के साथ साथ बहुत कुछ होना चाहिए, एफर्ट। अगर आप इंसान को गुस्सा है समझाओगे नहीं, तो उसको अनवांटेड फील होगा, तो आप इस इंसान को कभी अनवांटेड फील होने नहीं देते हो। तो ये चीज़ भी उनके नज़र में बहुत बड़ी बात है कि आप अनवांटेड कभी फील होने नहीं देते हो इस इंसान को, राइट? देखो, मुझे लगता है कि कुछ कुछ सिचुएशन में आपने उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है शायद। मतलब दोनों सेम जगह पे हो, जब चीज़ें होने की बात आई, तो आपने शायद कुछ कुछ जगह पे इनको पहले रखा कि भाई तुम्हारा ये काम हो जाए, मेरा तो बाद में होगा तो भी चलेगा, ठीक है? सो आप ये करते हो। आप ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आप उनको डरा चुके हो, आपको फियर उनके अंदर हो गया है, आपको खोने का फियर, आपको खोने का डर। अभी तक नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी तक उनको फील हो रहा था कि यू आर देयर, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इस इंसान को फील होने लगा है कि वो धीरे धीरे खो रहे हैं, या फिर आप धीरे 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 उनको छोड़ रहे हो। आप धीरे धीरे उनके बिना, सॉरी गले में, आप धीरे धीरे उनके बिना जीने लगे हो, उनके बिना जीना सीख रहे हो। कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का डर है। आपके पर्सन के लिए आप हमेशा बुरा मत मानना, बट एक ऑप्शन की तरह उन्होंने आपको इन पास्ट कुछ दिनों में ट्रीट किया है, बट अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रैक पे आ गई है। वो एक आपके साथ हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपके साथ मोरली नो कांटेक्ट में नहीं जाना चाहते। देखो, आपके पर्सन को ना बहुत जोर की आवाज़ शायद नहीं पसंद है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कभी आपने जोर से कुछ बोला होगा, तो अभी भी उनके कानों में वो बात गूंजती रहती है, याद आती रहती है कि किस तरीके से तुमने जोर से कुछ मुझे बोला था। अब वो उस चीज़ को लेके गुस्सा तो नहीं रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो चीज़ बार बार आती रहती है। लाउडनेस उनको पसंद नहीं है, और वो शायद बहुत बार बोले होंगे कि तुम्हारी आँख से बात तुम करते हो, तुम्हारी आंखें उनको बहुत पसंद है। ये पर्सन जानबूझ के आपको जेलसी फील करवाना चाहते हैं, अभी किसी और से बात करके वो देखना चाहते हैं कि आपकी इस वक्त क्या ट्रूली फीलिंग्स है, अभी भी आप जेलस फील करते हो या फिर नहीं करते हो। देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको सरप्राइज देने की सोच रहे हैं, सडनली आके आपसे या तो मीट करेंगे या फिर सडनली आके कुछ बातें आपसे बोलेंगे। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके सरप्राइज वो आपको दे सकते हैं, ठीक है? अब मैं थोड़ी सी कार्ड रीडिंग कर लेती हूँ। अब आप अभी तक देख रहे हो तो डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? मिलते हैं कार्ड रीडिंग पे।
ओके, लेट्स सी कि और क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की. मुझे कोई चीज को लेके ये डरते हुए दिख रहे हैं, डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं. हो सकता है कि ये इंसान जो है इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, इस रिश्ते के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं. हालांकि वो इस रिलेशनशिप में एक प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो अनस्टेबल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन वो शायद अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पा रहे हैं. या तो सामने वाला उनकी फैमिली मेम्बर है, या फिर फादर है, या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा मानते हैं. सो बेसिकली मुझे लगता है यहाँ पे कि वो अपनी बात किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के सामने रख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए चीज़ें इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. लेकिन ये पर्सन आपको भी छोड़ना नहीं चाहते. कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, कितनी भी इशू यहाँ पे क्रिएट हो जाए, ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते. ये चाहे अपने काम में कितने बिजी हो, अपनी अदर लाइफ में कितने बिजी हो, ये मुझे दिख रहे हैं कि चीज़ें तो ऐसा ही हो जाएगा. इनका लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है आपके साथ, ठीक है. ये आपके साथ कोई शॉर्ट टर्म गोल लेके नहीं चल रहे हैं कि आज बात किया फिर कल नहीं किया फिर ये वो. अगर आना है तो लॉन्ग टर्म गोल के साथ आगे चीज़ों को लेके ही जाना है. शॉर्ट टर्म ना रिलेशनशिप ये कंटिन्यू करेंगे, ना ये चाहते हैं. और आप भी अगर सोचोगे कि बस आ जाए, कुछ दिन बात हो जाए, तो भी वो वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ एक लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं. यहाँ पे मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके दिल में तो बहुत फीलिंग्स है, क्योंकि बॉटम में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो दिल में तो फीलिंग्स भरपूर है. और वो बहुत ज़्यादा जो है अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर है. कोई उनको डाउट करके पूछेगा कि अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर हो या नहीं, क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, उससे इस इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है. वो अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने थॉट्स को लेके बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे श्योर दिख रहे हैं. बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको लेके वो फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, ठीक है. व्हाट इज नेक्स्ट? यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल के बाद आपके रिलेशनशिप में सक्सेस आएगी, ठीक है. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन और आप दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग नेचर के हो. आप थोड़ी प्रैक्टिकल हो, वो थोड़े से ऐसे हैं कि केयरलेसनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी इतनी ज़रूर फीलिंग्स है कि वो आपको लेके जो है फील करते हैं, इमोशनल फीलिंग्स उनके अंदर है, और यही चीज़ उनको आपके पास खींच के लेके आएगी. तो विद दिस पेज ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे वो आपको कुछ ऑफर करते हुए दिख रहे हैं. वो आपको कुछ प्यार देते हुए, प्यार के बारे में सोचते हुए, कुछ करते हुए, इस तरीके से मुझे ऑफरिंग समथिंग मुझे दिख रहे हैं. और जो भी उनकी ईगो है उसको तोड़ते हुए, शांत करते हुए ये मुझे दिख रहे हैं. ये अपने ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ठीक है. वो चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल डिवाइड हो जाए. आप कुछ समझो, वो आपको थोड़े समझे, आप उनको थोड़ा समझो. उनको बार बार ये लगता है कि उनको ही आपको समझना पड़ता है, और उसमें वो फील हो जाते हैं. सो एडजस्टमेंट आप जिसको बोलते हो, वो चाहते हैं कुछ चीज़ों में आप एडजस्ट करो, कुछ चीज़ों में वो आपकी. आई थिंक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड की नेचर है, आप जो चीज़ें बोल देते हो वो उनको शायद समझ नहीं आता है, फिर वो पसंद नहीं करते हैं. और ये ना किसी की कोई फीमेल के साथ हो सकता है, बात बात करते होंगे, ठीक है, नॉर्मली बात करते होंगे, या फिर कोई मदर जैसी कोई लेडी जिसके हस्बैंड नहीं है, सिंगल, इस तरीके से कोई उनके साथ में रहता होगा, ठीक है. ओके, मैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ स्पेशली फॉर यू.
आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के थ्रू, कोई फ्रेंड के थ्रू वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोच सकते हैं, फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए कुछ करेंगे, और जो भी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं उससे कैसे बाहर निकल के एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अक्वायर हो सकती है, कैसे वो आपको एक कमिटमेंट दे सकते हैं, और कैसे कोई सिचुएशन में फंस के किस तरीके से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो मतलब वो सिचुएशन में जहाँ पे वो फंसे हुए हैं उससे कैसे बाहर निकले, वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है उनके दिमाग में आ रही है, और आने वाले वक्त में वो कोई डिसीजन लेंगे। मैक्सिमम 2 to 3 month के अंदर आपको उनके कुछ डिसीजन पता चलेगा, और आई थिंक 14 to 15 days के अंदर वो कुछ डिसीजन मेकिंग करेंगे जो आपको पता चलेगा, और आप सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय गाइस।